एक कहानी यह भी सम्मरी इन हिंदी। एक कहानी यह भी आत्मकथा में मन्नू भंडारी ने अपने जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाला है। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन और सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता आदि का रोचक वर्णन किया गया है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में सन 1931 में हुआ था। वह काली, दुबली, पतली और मरियल भी थी। बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। आथ पिताजी सदा उसी की प्रशंसा अधिक करते थे। लेखिका की सदा उपेक्षा होती। आथ वह पिताजी के स्वभाव से कभी कभी अन्यमनस्क हो जाती। हाँ, पिताजी के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा थी। वह कहती पिताजी की प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था और उनका नाम भी था। एक तरफ वे कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर क्रोधी तथा अहमवादी भी थे। लेखिका बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने, लंगड़ी टांग, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह आदि खेल खेला करती। लेखिका की प्रायः अधिकांश कहानियों में मोहल्ले के ही पात्र हैं। लेखिका की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में प्रवेश करवाया था। अनेक साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से लेखिका ने बहुत कुछ सोचा। पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पिता के ठीक विपरीत थी लेखिका की माँ, धरती से भी अधिक धैर्य और सहनशील। पिताजी की हर ज्यादती को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने सदा दूसरों को दिया है, मांगा नहीं। सबका लगाव माँ के साथ था। पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर लेखिका के बारे में कई सारी शिकायतें की, खरी खोटी सुनाई। पिताजी एक बार तो चिंतित हो गए, परंतु उनके एक अन्य मित्र डॉक्टर अंबालाल जी के कहने पर पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। आजादी के आंदोलन में भी लेखिका ने भाग लिया और आखिर वह दिन आ ही गया। जीत की खुशी में उन्होंने कहा, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 15 अगस्त 1947।